अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बता रही हूँ अदरक लहसुन पेस्ट हम कैसे बना के उसको फ्रिज में रख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो जस्ट अदरक लहसुन जो आपने पीसना है, जितना आपको चाहिए दोनों की मकदार ले लें। और अगर आपने इसको वॉश किया है तो इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है, कोई भी लिक्विड इसमें ना हो। और थर्ड हमारे पास जो चीज़ है वो है ऑयल, जो हम इसमें यूज़ करेंगे इसको पीसने के लिए। ऑयल डाल के हम इन दोनों को पीस लेंगे और अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। और उसके बाद इसको हम किसी कंटेनर में, जो कि कोशिश करें कि शीशे का ही हो, प्लास्टिक का ना यूज़ करें, कोई भी जार या कंटेनर लेके उसको बंद करके हम फ्रिज में रख सकते हैं और 1 महीने तक बआसानी ये निकल जाएगा। तो इसमें हम डालेंगे अदरक। मैं इसको 2 बैचेज में करूँगी क्योंकि ज़्यादा है, तो इसको मैं 2 दफ़ा कर रही हूँ। मैंने हाफ़ अदरक और हाफ लहसुन डाल दिया है और अब इसमें ऑयल डालेंगे। ख्याल रहे कि इसमें ऑयल काफ़ी सारा जाता है ताकि ये इजीली इसका स्मूथ पेस्ट बन जाए। इसमें हम काफ़ी सारा ऑयल डालेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी। आप ये देख सकते हैं कितना ही इसका फाइन और कितना स्मूथ पेस्ट रेडी हुआ है। और इसको मैं इस कंटेनर में डालूंगी और इसी तरह अपना दूसरा बैच भी कंप्लीट कर लूंगी। और इसमें डाल के इसको बंद करके हम फ्रिज में रख सकते हैं और इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप माशाल्लाह से कलर देखें इसका कितना खूबसूरत है और ये कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, तो आपका 1 से 1.5 महीना बाद आसानी इससे गुजर जाएगा।